सिक्किम दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नाथुला में मौजूदा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की निगरानी पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान गृह मंत्री ने जवानों से भी बात की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि शहीद पैरामिलिट्री जवान के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सीमाओं पर अथवा हमारे माओवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में काम करते हुए, उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हुए, कभी कभी कश्मीर में भी काम करते हुए हमारे CAPF के जवान शहीद हो जाते हैं और जिंदगी की वैसे पैसों के आधार पर उसकी कीमत आकी नहीं जा सकती है। चाहे जितना भी दिया जाए वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके परिवार के आश्रितों को इतना तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी सूरत में 1 करोड़ रुपए से कम की धनराशि उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवानों की समस्या को जाने और उसके निदान के लिए काम करे। गृह मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके जरिए जवान अपनी समस्याओं से सरकार को सीधे अवगत करा सकते हैं। 8-10 दिन पहले ही मैंने एक होम मिनिस्ट्री का ऐप जारी किया है, तो उसके माध्यम से भी आप तयशुदा जो भी आपका फोरम है वहां पर भेजें, लेकिन वो जानकारी हमारे होम मिनिस्ट्री को भी प्राप्त होगी। सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बेहतर तालमेल की कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य भी साझेदार है। चीन ने भारत से लगती सीमा पर सड़क, पुल और रेल नेटवर्क और हवाई अड्डों का निर्माण करके अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरकार द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास के काम की प्रगति का निरीक्षण करने के मकसद से सिक्किम पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।